दोस्तों आइए बात कर लेते हैं रिलायंस और जियो फाइनेंशियल, इन दोनों स्टॉक्स में से कौन सी स्टॉक को हमको ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिफर करना चाहिए खरीदने के लिए। देखिए दोनों स्टॉक्स हालांकि एक ही ग्रुप से रिलेटेड हैं, लेकिन दोनों स्टॉक्स में काफ़ी कुछ डिफरेंस भी है, इस बात को हमको समझना पड़ेगा। दोस्तों अगर हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के स्टॉक के प्राइस की, तो आज 2970 रुपये के आसपास करेंट में स्टॉक का प्राइस चल रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पे ग्राफ को समझते हैं, क्योंकि अगर प्राइस बिहेवियर को हम नहीं समझ पाएंगे तो फिर स्टॉक का एनालिसिस करना, और स्टॉक जो हमारा एनालिसिस हम करके एक व्यू बनाते हैं कि हमको इस स्टॉक को खरीदना है या नहीं, वो वहीं पे रॉन्ग हो जाता है। सबसे पहले यहाँ पे देखोगे स्टॉक का जो ओवरऑल प्राइस है काफ़ी अच्छा नीचे से बाइंग इस स्टॉक में अभी चल रही है। लास्ट 1 मंथ में अगर हम देखेंगे तो कहीं कहीं 3,000 के लेवल से एक डिप मिला, और डिप के बाद अगेन ये स्टॉक लगभग 2,800 के प्राइस से लगातार अब प्राइजेक्शन बनाते हुए करीब करीब फिर से 3,000 के आसपास तक पहुंच चुका है। दोस्तों अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो लगभग 20 साल से ज़्यादा ये स्टॉक मार्केट, 20 साल पहले से स्टॉक मार्केट में ये लिस्ट है स्टॉक, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिविडेंड यील्ड जो मिल रहा है यानी कि कुछ खास नहीं है लेकिन 0.30% के आसपास है। तो हम यहाँ पे क्या इस स्टॉक को प्रेफर करेंगे खरीदने के लिए, आगे चल के मैं आपको और अच्छे तरीके से बताऊंगा। लेकिन अब हम बात करते हैं जियो फाइनेंस की। दोस्तों हाल ही में जियो फाइनेंस का IPO आया था, और ये स्टॉक अभी आपको पता होगा स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट हुआ है। जियो फाइनेंशियल ये पूरा टेक्नोलॉजी का बिजनेस देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक के प्राइस की तो 350 रुपये के आसपास चल रहा है, ठीक है। और अगर दोस्तों हम इस प्राइस को देखेंगे तो ये आज के टाइम में सबसे बेस्ट प्राइस मुझे समझ में आ रहा है अगर हम रिलायंस से कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे लास्ट 1 डे में अगर देखेंगे इंट्राडे में जिस हिसाब से यहाँ पे बाइंग चल रही है, काफ़ी अच्छी बाइंग इस स्टॉक में देखने के लिए मिली है। लास्ट 5 डेज में भी दोस्तों ओवरऑल जो प्राइस एक्शन बना हुआ है लगातार ग्राफ आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा, ओके। अब हम लास्ट 1 मंथ में देखेंगे तो देखेंगे एक ह्यूज और काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्राइस एक्शन बनते हुए इस स्टॉक लगातार अपसाइड के मोमेंटम को कंटिन्यू कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे अगर हम डिविडेंड देखेंगे तो फिलहाल डिविडेंड दिखाई नहीं दे रहा है जियो फाइनेंशियल के इस स्टॉक में, लेकिन अब हम बात करते हैं चार्ट के ऊपर। देखो चार्ट में जब हम चीज़ों को समझते हैं तभी हमको दोस्तों पता चलता है कौन से स्टॉक में खरीदना उस समय के लिए सही रहता है, कौन से स्टॉक को अवॉइड करना सही रहता है। तो यहाँ पे दोस्तों देखोगे तो अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, हमेशा मैं एक बड़े व्यू को लेकर चलता हूँ ताकि हमको पिक्चर उस स्टॉक की क्लियर कट समझ में आए, जो कि हम क्लियर कट ये डिसीजन ले पाएं कि हमको कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पे हमारा बाइंग बन रहा है, कहाँ पे हमारा सेलिंग बन रहा है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, देखो यहाँ पे काफ़ी अच्छा देखो कंसोलिडेशन फेज में ये स्टॉक था, ठीक है। लगातार यहाँ पे देखोगे मल्टीपल टाइम इसने एक ही लेवल को रिस्पेक्ट किया, और यहाँ पे सिमिलर वही स्टोरी हुआ और अगेन ये ब्रेकआउट दे चुका है। दोस्तों ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट किया, अब ये स्टॉक हम लोग क्या कर सकते हैं, कहाँ पे खरीद सकते हैं। देखो करेंट लेवल में रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक को अगर आपको खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं, ये स्टॉक महंगा हो चुका है। इसमें आप SIP कर सकते हैं, इसमें आप अपने फ्यूचर के जो गोल्स हैं उनको सेट करके आप प्लानिंग कर सकते हैं। SIP करिए या फिर आप जिस हिसाब से भी इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना रहे हैं आप कर सकते हैं। दोस्तों ये स्टॉक काफ़ी अच्छा स्टॉक है फ्यूचर में SIP करने के लिए और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी। देखो अब स्टॉप लॉस कहाँ बन रहा है, दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करेंगे करेंट लेवल में भी हम इस स्टॉक को खरीद सकते हैं। हमारा जो पहला टारगेट होगा 3,350 रुपये का पहला टारगेट है। अब हमारा स्टॉप लॉस कहाँ बन रहा है दोस्तों, अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो 2,830 रुपये के आसपास हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहा है। हालांकि स्टॉप लॉस बड़ा है क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस आपको समझा रहा हूँ, और इसी तरीके से बड़े स्टॉक्स में आपको स्टॉप लॉस का प्लान करना होता है, ठीक है। नहीं तो आप अगर 10 से 20 रुपये का स्टॉप लॉस रखेंगे तो ये 2 से 3 हज़ार वाले जो स्टॉक के प्राइस हैं ये तो आपके स्टॉप लॉस फट से हिट कर देंगे, ठीक है। तो आपको स्टॉप लॉस रखना है 2,830 के आसपास, पहला टारगेट आपको रखना है 3,350 के आसपास। दोस्तों ये स्टॉक काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दे चुका है, ब्रेकआउट के बाद आप देखेंगे यहाँ पे इस वाले एरिया के आसपास ये रिटेस्ट कर चुका है, और रिटेस्ट के बाद अगेन यहाँ पे बैक टू बैक 2 वीक से यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बनी हुई हैं, यानी कि ऑलमोस्ट अब ये स्टॉक क्या कर रहा है, यहाँ से
ऊपर साइड का मोमेंटम कंटिन्यू करने के लिए बिल्कुल रेडी है, ठीक है। हालांकि मार्केट में छुट्टी हो गया 2-3 दिनों का, गुड फ्राइडे, सैटरडे, संडे, नहीं तो ये स्टॉक आपको काफी अच्छा यहां से करीब 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 3000 से लेकर 3200 से 3300 के प्राइस को टच करते हुए दिखाई दे सकता था, ठीक है। काफी अच्छा यहाँ पे प्रोजेक्शन बना हुआ है। करेंट में अगर आपको यहाँ पे स्विंग ट्रेड लेना है तो फिर आप यहाँ पे स्विंग ट्रेड का भी प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, 2830 के स्टॉप लॉस रिलायंस के अंदर बनेगा। दोस्तों इसमें आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट SIP वगैरह कर सकते हो, ये वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है निफ्टी 50 का, ठीक है। और अपने आप में एक बड़ा ग्रुप है, बड़ा दिग्गज स्टॉक है, मार्केट लीडर है, जो कि निफ्टी को कहीं कहीं सस्टेन भी करने का काम करता है। तो ये स्टॉक पहला है जो कि काफी अच्छा है। अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे चल के आगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की, ठीक है। तो हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं चार्ट को, ठीक है, फिर आगे चलकर देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखोगे देखो जिन लोगों को रिलायंस का स्टॉक महंगा लगता है उनके लिए दोस्तों ये दूसरा सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मैं ये कहूँगा इस स्टॉक को तो बिल्कुल भी आप छोड़ना नहीं, क्योंकि अगर आपको लगता है कि रिलायंस आपसे मिस हो गया, आज रिलायंस का स्टॉक काफ़ी महंगा है, तो फिर इस स्टॉक को कतई मत छोड़ना, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट बना हुआ है 325 रुपये के आसपास, और यहाँ पे करेंट में आप लोग खरीदारी करके चल सकते हो, ठीक है। पहले टारगेट आपका होना चाहिए करीब करीब 410 रुपये का, और यहाँ से काफ़ी अच्छा ये टारगेट मुझे दिखाई दे रहा है दोस्तों। यहाँ पे सिमिलर जैसे रिलायंस के केस में हुआ, सेम वही हुआ, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे एक वीक क्या हुआ, रेड कैंडल मिली, यानी कि यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट के बाद दोस्तों बैक टू बैक यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं। तो करेंट लेवल में खरीदारी करके चलना है 350 से लेकर 355 रुपये के आसपास, जिस किसी प्राइस को भी आप खरीदना चाहते हो खरीद सकते हो। और यहाँ पे आपका जो पहला टारगेट बनेगा ये 410 रुपये का बनेगा, स्टॉप लॉस होगा 325 रुपये का, ठीक है। दोस्तों इसमें भी आप SIP कर सकते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है जी, देखो रिलायंस ग्रुप के दो ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड यही दो स्टॉक हैं जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने इन्वेस्टर को काफ़ी खुश कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दे रहे हैं, ठीक है। तो आप रिलायंस की जगह अगर आपको लगता है वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक तो यही है, लेकिन अगर आपको लगता है कि रिलायंस का स्टॉक आपके लिए महंगा है दोस्तों, तो फिर जियो फाइनेंशियल के इस स्टॉक को आप प्रेफर कर सकते हो खरीदने के लिए, ठीक है। चार्ट में भी मैंने आपको समझा दिया है फॉर ये ट्रेडिंग पर्पज, जो लोग स्विंग ट्रेड का प्लान करते हैं, ठीक है, वो ये प्लान कर सकते हैं, ठीक है। बाइंग के लिए दोनों स्टॉक रेडी हैं, स्टॉप लॉस भी प्रॉपर मैंने आपको समझा दिया है। प्रोजेक्शन अगर आप देखेंगे काफी अच्छा, यहाँ पे एक गुड प्रोजेक्शन के साथ ये स्टॉक अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, काफी अच्छा स्टॉक है, ठीक है, और आप यहाँ भी खरीद कर चल सकते हैं। और दोस्तों अगर मैं अब बात करूं कि रिलायंस और जियो फाइनेंशियल इन दोनों स्टॉक्स में से कौन से स्टॉक को प्रेफर करना चाहिए लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए और SIP के लिए, या फिर अपने फाइनेंशियल गोल को सेट करना है, तो इनमें से कौन से स्टॉक को खरीदना सही रहेगा दोस्तों। देखो मेरा कंक्लूजन ये है 50-50 का। अगर आपके पास कैपिटल है और अगर आपको लगता है कि आप दोनों स्टॉक्स को खरीद सकते हैं, तो दोस्तों 50-50% का आप ऐसा करके चलो कि 50% SIP या इन्वेस्टमेंट का प्लान आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक में करो, क्योंकि स्टॉक का प्राइस महंगा है। और दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि आपके पास कैपिटल कम है, या फिर आपको ये स्टॉक का प्राइस महंगा लग रहा है, तो फिर आप इस स्टॉक को खरीद सकते हैं, 350 रुपये के आसपास चल रहा है, काफ़ी अच्छा वेरिएबल प्राइस में ये क्वालिटी स्टॉक्स और एक बड़े ग्रुप का स्टॉक मिल रहा है आपको, ठीक है। तो आप यहाँ पे SIP और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए प्लानिंग कर सकते हो दोस्तों। दोनों स्टॉक मेरे लिए प्रेफर स्टॉक हैं, इनमें से मैं ये नहीं कहूँगा कि आप रिलायंस को छोड़ दो, जियो फाइनेंशियल के स्टॉक को खरीद लो, या फिर ये नहीं कहूँगा कि जियो फाइनेंशियल को छोड़ दो, रिलायंस को ही खरीदो दोस्तों। ये टोटल ये जो ग्रुप है ये काफ़ी अच्छा ग्रुप है, इनका बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है, और हमेशा ये मार्केट लीडर की तरह काम करते हैं। तो दोनों स्टॉक को प्रेफर करूंगा दोस्तों, कि आपको जो सही लगे। मैंने आपको चार्ट के ऊपर समझा दिया है, मैंने आपको यहाँ पे प्रोजेक्शन समझा दिया है, डिविडेंड कहाँ मिल रहा है, क्या ड्रॉप पॉइंट है, कहाँ पर क्या स्टॉप लॉस है, टारगेट्स हैं, एवरीथिंग मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दिया हूँ। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से स्टॉक को प्रेफर करेंगे खरीदने के लिए। तो दोस्तों ये आपके लिए स्टॉक कम प्राइस में मिल रहा है, तो
ये आपके लिए सही है। आने वाले कुछ सालों में ये रिलायंस जैसा स्टॉक अगर 4-5 डिजिट का हो जाएगा तो आपको फिर यही स्टॉक महंगा लगने लगेगा। इसलिए आज से ही आप इन्वेस्टमेंट और SIP करना शुरू करिए, ये मार्केट लीडर की तरह स्टॉक मार्केट में काम कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से स्टॉक का एनालिसिस वीडियोस मैं आपको देता रहूं तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके से स्टॉक की एनालिसिस वीडियोस की अपडेट मिलती रहे और आप इसका रेगुलर बेनिफिट हमारे साथ जुड़कर, इस कम्युनिटी के साथ जुड़कर इसका बेनिफिट ले पाएं। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।